देश में लोकसभा चुनाव 7 चरण में होने वाले हैं, जिसमें प्रथम चरण में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें विदर्भ के नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली शामिल हैं। साथ ही यहां प्रचार अब अंतिम चरण में है। इसी श्रृंखला में आज नितिन गडकरी द्वारा पत्र परिषद लेकर वचननामा से वचन पूर्ति तक पुस्तिका का विमोचन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय के अलावा महाराष्ट्र की नागपुर संतरों के लिए देश विदेश में अलग ही पहचान रखता है। अब इसे गडकरी का गढ़ भी माना जाने लगा है। पिछले 10 साल में गडकरी ने गली मोहल्ले छान मारे और शायद ही ऐसा कोई इलाका बचा हो जहां उन्होंने काम ना किया हो। और आज गडकरी द्वारा पत्र परिषद लेकर अपने 10 साल के कार्यों का ब्यौरा जनता के सामने रखा, साथ ही 10 साल के कार्यों की एक पुस्तिका 10 साल परिवर्तन के 10 साल वचन पूर्ति के वचन नाम से वचन पूर्ति तक का विमोचन किया गया। नागपुर की जनता का शुक्रिया, धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले 10 साल में उन्होंने जो अवसर मुझे दिया उसके कारण जो मैंने अलग अलग वचन पिछले 2 टर्म में दी थी लगभग वो पूरे हुए हैं। नागपुर का ये जो वचननामा है इसके लिए गिरीश जी, जयप्रकाश जी, इन्होंने मिलकर अपनी एक टीम बनाई थी और हमने आउटसोर्स करके लोगों से भी सुझाव मांगे थे और वो सुझाव लाकर ये वचननामा फाइनल हुआ है। हमारे शहर में एक बहुत बड़ी समस्या है कि अनधिकृत लेआउट्स और कुछ स्लम्स झोपड़पट्टी में हमारी बहुत बड़ी आबादी रहती है और वहाँ कुछ जगह पर अनेक समस्या है और उनको सुविधा देने में कुछ लीगल अड़चने हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि देश की पहली और महाराष्ट्र की भी पहली ऐसी एक योजना हमने तैयार की थी और वो योजना का पायलट प्रोजेक्ट पहला था बांग्लादेश। बांग्लादेश में 3,500 लोग, 3,500 घर है और करीब 25,000 से 30,000 लोग वहां रहते हैं। आप में से अनेक लोग नए होने के कारण शायद उनको पूरा इतिहास नहीं मालूम होगा। ये सुप्रीम कोर्ट तब ये नाइक तालाब यानी नाइक परिवार की जमीन थी और सुप्रीम कोर्ट में वो जीते हैं नाइक, और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि ये बस्ती खाली करो। ये जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे उनके लिए वो जगह दी थी और बाद में वहाँ लोग रहने लगे और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इसको वेकेंट करो और पुलिस कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर और कलेक्टर ने एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि ये कानून और व्यवस्था का सवाल है, हम इसको इम्प्लीमेंट करने में हमको अड़चन है, ऐसा एफिडेविट उन्होंने सबमिट किया था। ये जब समस्या का अध्ययन करने के बाद मैं करीब मेरे यहाँ उन कार्यकर्ताओं की वहाँ के MLA विकास कुंभारे और दीपक देवगरे करके वहाँ का एक सुशिक्षित व्यक्ति है हमारा कार्यकर्ता, तो सब जानकारी इकट्ठा की गई और ये सब जानकारी इकट्ठा करने के बाद उस बांग्लादेश के लिए एक स्कीम तैयार की गई और स्कीम ये थी कि जो जो जहाँ जहाँ बसे उनको मालकी हक से वो रजिस्ट्री करके नाइक जो है वो करके देंगे और वो मालकी हक से अपने मालिक बन जाएंगे और कॉरपोरेशन का टैक्स लग जाएगा, पानी का मीटर लग जाएगा उनको अधिकार से, इलेक्ट्रिक का मीटर लगेगा और सबसे बड़ी बात है कि वो बैंक में मॉर्गेज कर सकेंगे, लोन ले सकेंगे। और इसमें बहुत अड़चने आई और आदरणीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तो इसकी रजिस्ट्री करने के लिए इनकम टैक्स ने ऐसा स्टैंड लिया कि इसमें रेडी रेकनर के हिसाब से इसका रेट पक्का करके फिर इसके रजिस्ट्री की आपको रॉयल्टी, ये रजिस्ट्री की फी भरनी पड़ेगी। फिर हमने देवेंद्र जी को रिक्वेस्ट की और महाराष्ट्र सरकार ने विशेष बाप करके कैबिनेट में निर्णय किया और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में रजिस्ट्री हुई और इनकम टैक्स का जो प्रॉब्लम था उसके लिए CBDT के चेयरमैन, काफ़ी 5-7 बार दिल्ली मीटिंग हुई, आखिरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी को मैंने आमंत्रित किया, उनको समस्या बताई और पहली बार भारत सरकार ने भी आउट ऑफ वे जाकर एक्चुअल जो रजिस्ट्री हो रही है, जो कीमत है
वो रेडी रेकनर के हिसाब से 5% भी नहीं थी, तो उन्होंने वो उस कीमत को पकड़ा और रजिस्ट्री शुरू हो गई। अभी तक 550-600 रजिस्ट्री हो गई और अभी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। ये पहला सफल प्रयोग हुआ है। अब इसी के आधार पर हमने महाराष्ट्र सरकार ने और देवेंद्र जी ने एक योजना लाई थी, झोपड़पट्टी के पट्टे दिए। तो पट्टे देने के बाद उसके ऊपर लोन नहीं मिल सकता या वो घर बना नहीं सकते, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश फार्मूला को नागपुर के सभी अनधिकृत लेआउट्स के जो जगह है वो, और दूसरी और जो हमारी विशेष रूप से झोपड़पट्टी ऐसी है वहाँ उनको मालकी हक देकर हम उनको बसाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो अपना घर अच्छा बना सके, घर के लिए बैंक से लोन ले सके और नागपुर स्वच्छ सुंदर होने में उनका सहयोग प्राप्त हो। तो पहली बात, ये काम नागपुर भी कम से कम अंदाजन 6-7 लाख की आबादी अनधिकृत लेआउट और झोपड़पट्टी में रहती है, और ये जो यशस्वी फॉर्मूला बांग्लादेश का हुआ है नया, पहली बार देश में हुआ है, पहली बार महाराष्ट्र में हुआ है कि जमीन जिसकी है उसने रजिस्ट्री करके मालक बनाया, तो ये योजना हम पूरे नागपुर में लागू करेंगे। जहाँ तक नागपुर में सुंदर स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाना, ये हमारी कोशिश है, और इसलिए अलग अलग जगह पर ये अच्छा बनाने के लिए नागपुर में कम से कम हम लोग अभी कुछ बगीचे हैं, उन बगीचों में व्यायाम करने का साहित्य भी मुझे एक कंपनी ने CSR दिया था, तो मैंने भी उसमें से करीब 70-80 बगीचों में सीनियर सिटीजन के लिए साहित्य लगाया, पर ये बगीचे जिस स्टैंडर्ड के है उतने नहीं है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि नागपुर में कम से कम 100 अच्छे बगीचे, जो सभी प्रकार से आकर्षण का केंद्र हो, लोग वहाँ जा सके, ऐसे कुछ बगीचों में सुधार करेंगे, कुछ नए निर्माण करेंगे और कुछ जगह प्लांटेशन करेंगे, ऐसे बगीचे बनाएंगे। एक बात बहुत नागपुर की समस्या हो रही है कि आजकल बड़े प्रमाण पर रोड पर पानीपुरी, भेलपुरी, समोसा, चाइनीज सब खाने के लिए लोग जाते हैं और ये संख्या बहुत बढ़ रही है। पोहा वाले के भी धंधे लाखों करोड़ों में होने लगे, तरी पोहा के, तो वो लोग वही खाते, हेल्थ और हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा रही है। तो अभी इस समय हमारे डेवलपमेंट प्लान में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि जो हम लोग फ्रूट वेजिटेबल मार्केट्स उसके साथ इस प्रकार का फूड मॉल तैयार करें, तो ऐसे भी कुछ योजना हमने तैयार की है। पहली बार फुटाड़ा में एक ऐसा प्लान किया है कि जहाँ 25 रेस्टोरेंट और 3 बड़े बड़े हॉल जिसमें कम से कम 15,000 लोग एक समय खड़े होकर और उसी रेट में जो रोड पे खाते उसी रेट में मिले, और हॉकर्स जो है उनको भी इसकी व्यवस्था करें। तो अब नागपुर में ऑलरेडी 7-8 मार्केट पे तो लगभग काम शुरू हो गया। लंदन स्ट्रीट में ये प्रोविजन हमने की है अलग अलग मार्केट्स की, फ्रूट वेजिटेबल मार्केट का एक स्पेशल पैकेज है, महाराष्ट्र सरकार से उसको 100 करोड़ का अनुदान भी मांगा है, शायद मिलेगा, और अंडरग्राउंड पार्किंग होगी, नीट एंड क्लीन होंगे, और ये सब मार्केट लोगों को फ्रूट वेजिटेबल्स और इसकी सब की सुविधा होगी। मैं खुद किसानों में काम करता हूँ और ऑर्गेनिक फ्रूट्स वेजिटेबल और अनाज फूड ग्रेन्स इसके लिए हमारी एग्रो विजन के तरफ से किसान मार्केट, यानी किसान ही पैक करके लाएंगे, केवल हम उसको सर्टिफाई है कि नहीं देखेंगे और वो बेचेंगे, तो रेडिसन के सामने जो जगह है वहाँ जो पब्लिक यूटिलिटी का प्लॉट था सोसाइटी का, वो एग्रोविजन को मिला है, और वहाँ जल्दी ही चुनाव के बाद हम बहुत बड़ा ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल और फूड ग्रेन का मार्केट बनाएंगे, और किसान खुद अपना माल लेके आएगा और डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचेगा, तो रेट भी कम होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, हम क्वालिटी केवल चेक करके सर्टिफाई करेंगे। इसके साथ ही आने वाली परियोजनाओं की जानकारी भी साझा की है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।